डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्रेहेंसिव प्रॉब्लम का कुछ पार्ट कवर किया था। चूंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसलिए हम इनको कुछ पार्ट्स में ले रहे हैं। हमने ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इसमें इंटरेस्ट के पहले तक के क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया था। इसके आगे हम अब और ले रहे हैं। देखिए क्या है अगली एंट्री। ये इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट फॉर द फुल ईयर, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2000, रिसीव साइड में दिया है मतलब रिसीव हुआ है। तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मतलब ये हमारी इनकम हुई। तो पहले तो इसको सिंपल इनकम में लिख देते हैं हम। इंटरेस्ट 2000 रुपीज़, ये हमने इनकम में लिख दिया। अब आगे चलने के पहले मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में हर पॉइंट ऐसा है जिस पे यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, हर वो पॉइंट। इस एक क्वेश्चन को करने से न जाने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, ये भी कहा था। अब इंटरेस्ट में कौन सा कंफ्यूजन है, ये तो बहुत सिंपल चीज थी। नहीं, यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी है, वो सुन लीजिए। तो इन्वेस्टमेंट पर हमको 10% की रेट से इंटरेस्ट मिला है, ये हो गई इंटरेस्ट की रेट फॉर फुल ईयर। तो टाइम हुआ ए 1 ईयर। तो 2000 रुपीज जो हमको इंटरेस्ट मिला है वो 1 साल का इंटरेस्ट है 10% की रेट से। तो 2000 जो है ये 10% है, तो 100% कितना होता है ये हम कैलकुलेट करते, क्यों वो समझेंगे। तो 2000 अगर 10% है और 100% निकालना है तो इन 200/10 कर लेंगे, 100% कैलकुलेट करना है इसलिए इन 200 किया, और ये 10% है इसलिए अपॉन में 10% लिख दिया। तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर 10% होता है 2000 जो हमें मिला है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000 रुपीज का। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैलकुलेट किया, पर क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक असेट है, उसे असेट में भी तो लिखना पड़ेगा। अब यहां पर दो बैलेंस शीट है, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट, दूसरी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो लास्ट ईयर से असेट से कैरी होके आई है, जो लायबिलिटीज कैरी होके आई है, वो लिखनी है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ईयर एंड के, इस सेशन के एंड के असेट और लायबिलिटीज लिखनी है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो 20,000 रुपीज का है, जिस पर हमको 2000 इंटरेस्ट के मिले हैं, ये नया है कि पुराना है, लास्ट ईयर से कैरी हो क्या है कि इस साल खरीदा, तो ये इन्वेस्टमेंट पुराना है। कैसे, क्योंकि हमको अगर इस साल परचेस किया होता तो इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में दिया होता। ये सारे रिसिप्ट और पेमेंट इसी साल के हैं, इस साल के रिसिप्ट और पेमेंट में कहीं भी, ये पेमेंट में देखो, पेमेंट की सारी एंट्रियां देख लो, यहां पे इन्वेस्टमेंट नाम से 20,000 रुपीज की कोई एंट्री नहीं दिख रही हमको। पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट की कोई एंट्री नहीं दिख रही 20,000 की, मतलब ये इस साल तो खरीदा ही नहीं है, मतलब ये पुराना हुआ। तो ये लास्ट ईयर की असेट है जो इस साल कैरी होके आई है और उस पर इंटरेस्ट मिला है। तो ये हमारी असेट है ईयर बिगिनिंग की, यानी इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे, ये लिख दिया। अब इसको सेल तो किया नहीं हमने, तो इस सेशन के एंड के असेट्स में भी इसको लिखेंगे और ये अगले साल कैरी हो जाएगा। तो सेशन के एंड यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हमने इन्वेस्टमेंट को दिखा दिया 20,000 रुपीज। ठीक, अब अगली एंट्री पे चलते हैं। तो देखिए, हम रिसीव साइड में चल रहे थे, इंटरेस्ट की एंट्री हो गई, इंटरेस्ट के बाद एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस यानी एडमिशन फीस, जो नए मेंबर्स क्लब में आए हैं उनसे हमने एंट्रेंस फीस यानी एडमिशन फीस के नाम पे पैसा लिया है, ये हमारी इनकम है। एंट्रेंस फीस रिकरिंग या नॉन रिकरिंग किसी भी नेचर की हो सकती है। मैंने ये समझाया था कि जो रिकरिंग नेचर की इनकम होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है, नॉन रिकरिंग नेचर की जो आइटम्स होती है वो बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में एड होती है, कैपिटल यानी जनरल फंड जो भी बोल दो उसमें एड होती है। तो इंटरेस्ट फीस रिकरिंग या नॉन रिकरिंग दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में भी आ सकता है तो बैलेंस शीट में भी आ सकता है। हमें क्या करना है, तो मैंने ये भी समझाया था, कुछ न दिया हो तो यूजुअली इसको हम रिकरिंग नेचर के आइटम मानते हैं, इसलिए इसको इनकम साइड में लिख देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो इनकम में लिख देंगे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स नीचे दिए हुए, एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट्स दिए हुए, इस एडजस्टमेंट में अगर हम जाके देखें तो 6 नंबर पॉइंट इसके बारे में दिया हुआ है।
इसको पढ़ने के पहले बता दूं कि ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ये मैंने वीडियो के अंदर जो अपने यूट्यूब पे वीडियो है इसमें नीचे जो डिस्क्रिप्शंस दिए होते हैं राइट हैंड साइड में देखे एक एरो जो ट्रायंगल दिया है उसको प्रेस करके देखे नीचे डिस्क्रिप्शन यानी डिटेल्स आ जाती है उसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऊपर आप वीडियो ऑन रखें नीचे क्वेश्चन भी ऑन रखें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि स्क्रीन पर कई बार हट जाता है वो। और सबसे बेटर तो ये है कि पूरा क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्शन में से देख कर अब अपने कॉपी में नोटबुक में इसको नोट कर लें और फिर वो क्वेश्चन सामने रखें तो आपको समझ में जल्दी आएगा। अदरवाइज मैं दिखा तो रहा ही हूँ यहाँ पर वो भी देखते रहिए। तो 6 नंबर एडजस्टमेंट एंट्रेंस फीस के बारे में है। 75% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। क्या मतलब इसका? जितना पार्ट हम बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड करेंगे मतलब हमने उसको कैपिटलाइज कर दिया और बाकी का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये एक रेवेन्यू अकाउंट होता है। इसके अंदर जितनी भी आइटम लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक रेवेन्यू अकाउंट होता है। इसमें जितनी भी आइटम लिखी जाती है पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मतलब हमने उन सबको रेवेन्यूड किया है और जो कैपिटलाइज करने वाले आइटम्स होती है वो बैलेंस शीट में चले जाती है। तो इंट्रेंस फीस का 75% कैपिटलाइज करना है मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड कर देना है। कैपिटल फंड बोल दे या जनरल फंड बोल दे उसमें ऐड करना है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट इसमें हम इंट्रेंस फीस के ऐड कर रहे हैं। 14,000 रुपीज थे इंट्रेंस फीस के उसका 75% कैपिटलाइज करना है यानी 75% कैपिटल में ऐड करना है। ऐड कर दिया यानी कैपिटलाइज कर दिया 75% और बाकी का इसका मतलब है बाकी के 25% इंट्रेंस फीस को जो है उसे जनरल इनकम माननी है रिकरिंग नेचर की इनकम माननी है नॉर्मल इनकम माननी है यानी उसको जैसे नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम आती है सभी तरह की वैसे इसको भी लिखना है। तो ये हम इनकम साइड में लिख रहे हैं इंट्रेंस फीस 14,000 टोटल थी उसका 25% 75% तो हम ऑलरेडी बैलेंस शीट में लिख चुके हैं बाकी 25% 3,500 होता है ये लिख दिया हमने। ठीक आगे चलते हैं। तो एंट्रेंस फीस के बाद में अगली एंट्री पे आते हैं। तो ये रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट हमारे सामने दिख रहा है। तो एंट्रेंस फीस के बाद में अगली आइटम दी हुई लीगेसी। क्या होती है लीगेसी? जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो बिलोंगिंग्स होते हैं उसकी जो चीजें होती है उनको बेचकर जो पैसा आता है कई बार वो पैसा किसी ट्रस्ट वगैरह में डोनेट कर दिया जाता है। ये जो पैसा डोनेशन में आया है इसी को लीगेसी बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं पॉइंट को। जब किसी के डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टियां होती है उनको बेचकर जो पैसा आता है वो सारा पैसा कई बार किसी ट्रस्ट वगैरह में डोनेट कर दिया जाता है। तो ट्रस्ट में जो इस तरह का जो डोनेशन आता है उसी को लीगेसी बोलते हैं। तो ये हम एक ट्रस्ट का अकाउंट बना रहे हैं इनको कुछ लीगेसी के नाम पे कुछ डोनेशन मिला है। तो कितना मिला है? 35,000 रुपीज। अब जो लीगेसी नाम की इनकम होती है ये कुछ ट्रस्ट में रिकरिंग नेचर की होती है। हर साल ऐसे कई तरह के लोग पैसे देके जाते डोनेशन देके जाते और कुछ ट्रस्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे इस तरह का डोनेशन बहुत रेयरली आता है। कई ईयर्स में कोई एक आधा कोई देके जाए तो देके जाए। तो यूजुअली क्या होता है? तो यूजुअली ये इनकम बहुत रेयर होती है। लीगेसी नाम की इनकम जो है वो बहुत रेयर होती है। तो ये रेयर इनकम है हम ये मान के चल रहे हैं। और रेयर जो इनकम होती है थोड़ी देर पहले एंट्रेंस फीस के टाइम पे बताया कि जो रेयर इनकम होती है जो नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम होती है उसको इनकम साइड में इनकम एक्सपेंडिचर में ना लिखते हुए उसको डायरेक्ट कैपिटलाइज कर दिया जाता है मतलब डायरेक्ट कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। तो हम अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसको हम रेयर होने वाली इनकम मान रहे हैं यानी इसको हम डायरेक्ट कैपिटल में जाके ऐड करेंगे। लीगेसी के बारे में अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम इसको रेयर इनकम यानी नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम मान रहे हैं। सो इस इनकम को हम इनकम में ना लिखते हुए डायरेक्ट जनरल फंड यानी कैपिटल फंड में ऐड कर रहे हैं यानी कैपिटलाइज कर रहे हैं हम इसको। तो लीगेसी के 35,000 रुपीज हमने जनरल फंड में ऐड कर दिए हमने। आगे चलते हैं। अगले आइटम पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आइटम देखें तो
लीगेसी के बाद में दिया हुआ है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड। अब यहां पर जरा ध्यान दे के सुनिएगा ध्यान से। पहले तो मैंने पिछले लेक्चर्स में यह पॉइंट क्लियर किया है कि जब किसी चीज का फंड बना हुआ होता है तो जिस हेड के लिए फंड बना हुआ है उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए अलग से अकाउंटिंग होगी। वो उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर, उस हेड की इनकम और एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में नहीं आएगी। यहां पर डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, मतलब टूर्नामेंट के लिए एक हमने फंड बना रखा है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक टूर्नामेंट होना है, इवेंट होनी है, उसके लिए हमने अलग से एक फंड बना लिया। अब इस टूर्नामेंट के लिए जितनी भी रिसिप्ट होगी, जितनी भी इनकम होगी, ये इस फंड में हम डाल देंगे, इस फंड में ऐड कर देंगे। ऐसे में जितनी भी इस टूर्नामेंट पर एक्सपेंडिचर्स होंगे वो भी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना लिखते हुए फंड में से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमने फंड उसके लिए अलग से बना दिया है। तो जिसके लिए हमने अलग से फंड बना लिया है तो उसकी रिसिप्ट, उसके पेमेंट सब उसी में एडजस्ट करेंगे, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। तो टूर्नामेंट के लिए फंड बना हुआ है इसलिए हम इसको अलग से बैलेंस शीट में लिखेंगे, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। तो वो अभी हम लिखेंगे, पर उसके पहले ये बता दूं कि अगर यहां पर लिखा होता डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, यानी उसके आगे फंड वर्ड नहीं होता, तो इसका मतलब हमने यहां पर कोई टूर्नामेंट के लिए कोई फंड नहीं बना के रखा है, ये हमारी नॉर्मल रिसीप्ट है। तो फिर हम इसको इनकम में लिखते, फिर उस केस में फिलहाल तो फंड है इसलिए हम इसको यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिख रहे, इसको इनकम अलग से इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो फंड बैलेंस शीट में अलग से लिख देंगे, हमें अलग से पैसे मिले हैं टूर्नामेंट करवाने के लिए, हमको पैसे मिले हैं तो हमारे क्लब के लिए ये एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में दिखा देंगे हम टूर्नामेंट फंड के नाम पे 60,000 रुपीस हमको मिले हैं, क्लब में लोगों ने आके हमको पैसे दिए हैं कि भाई हमारी ओर से ये टूर्नामेंट करवाओ, तो वो जो फंड है उसके लिए हमने एक फंड बनाया है, ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में दिखा दिया टूर्नामेंट फंड। अब इसमें कुछ एक्सपेंसेस भी हुए हैं, तो देखिए पेमेंट साइड में ये रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो पेमेंट साइड में देखो ये जहाँ पे कर्जा चल रहा है क्रेडिट साइड में, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुए हैं 15,000, तो ये 15,000 पे जो एक्सपेंसेस हुए हैं ये हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्ट ना करते हुए, सो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हम फंड की जो इनकम है टूर्नामेंट के लिए जो हमारे पास फंड बना हुआ है उसमें से एडजस्ट करेंगे हम। तो टूर्नामेंट के लिए फंड पड़ा हुआ है 60,000 रुपीस का, इसमें से 15,000 रुपीस एक्सपेंसेस एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी 45,000 फंड के हमारे पास बच गए, ये हमारी लायबिलिटी है, सो लायबिलिटी में लिख दिया हमने इसको। तो 15,000 पे टूर्नामेंट पे एक्सपेंसेस हुआ है, एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा क्योंकि उसके लिए टूर्नामेंट के अलग से फंड पड़ा हुआ है, उसी में से एडजस्ट किया। तो क्या कंसेप्ट समझा कि अगर कोई सा भी फंड दिया हो तो उस फंड की इनकम इनकम में न लिखते हुए लायबिलिटी में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ऐसे में उस हेड का कोई एक्सपेंसेस आ जाए तो एक्सपेंसेस में न लिखते हुए वो फंड में से माइनस कर लेंगे, हमने ऐसा ही किया। तो आगे चलते हैं, तो उसके बाद में अब देखें रिसिप्ट साइड में अगली एंट्री दी हुई है सेल ऑफ मेडिसिन इक्विपमेंट, एक असेट हमने सेल की है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने असेट के सेल के बारे में 3 केस बताए थे पिछले लेक्चर्स में, वो रिपीट कर रहा हूं मैं। जब कोई असेट सेल होती है तो उसके उसमें 3 केस होते हैं, एक तो उसकी बुक वैल्यू दी हो, ये पहला केस। दूसरा केस, बुक वैल्यू नहीं दी हो तो उस केस में हमको ये देखना है कि असेट जो सेल हुई है उसके नाम के आगे ओल्ड वर्ड है कि ओल्ड वर्ड नहीं है। तो 2 केस ये हो गए, एक बुक वैल्यू दी है तो एक केस वो हो गया। तो तीनों एक एक करके समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो सेल ऑफ मेडिसिन इक्विपमेंट एक असेट है हमारी। अब ये असेट हमने सेल किए, यहां पे देखे ब्रैकेट में कोई बुक वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब अगर बुक वैल्यू नहीं दिए, अगर बुक वैल्यू दी होती तो हम देख लेते कितने की असेट थी, कितने में सेल हो गई, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो इनकम में, लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर बुक वैल्यू दी हुई होती तो हम ये देखते कि भाई कितनी बुक वैल्यू है और सेल अमाउंट कितना है, और इस ढंग से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो कैलकुलेट करके इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे।
जैसा कि लेक्चर नंबर 16 में हमने लेक्चर नंबर 15 में ये पॉइंट किया भी था हमने, तो यहां पर बुक वैल्यू तो नहीं दी हुई है जो हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सके। तो ये केस वन हो गया। केस टू, अब यहां पे जो असेट है उसका नाम क्या दिया हुआ है, मेडिसिन इक्विपमेंट। मेडिसिन इक्विपमेंट असेट का नाम है, इसके आगे ओल्ड वर्ड नहीं दिया है। अगर ओल्ड वर्ड नहीं दिया है तो हम ये मानेंगे कि असेट जो सेल हुई है तो जितना सेल अमाउंट है वही उसकी बुक प्राइस है, जितना सेल अमाउंट है वही इसकी बुक प्राइस है। मतलब 4000 की मेडिसिन इक्विपमेंट यहाँ पे सेल हुई है, बुक वैल्यू भी 4000 है, यही मानेंगे। 4000 की असेट 4000 में सेल हो गई, 4000 की असेट 4000 में सेल हो गई, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, इस पे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है, यानी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको लिखेंगे ही नहीं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। अच्छा, अगर यहां पे लिखा होता सेल ऑफ ओल्ड मेडिसिन इक्विपमेंट, यानी असेट के नाम के आगे ओल्ड वर्ड आ जाता, तो फिर क्या होता, तो उसका मतलब होता फिर वहां पर जब ओल्ड वर्ड दिया है तो हम ये मानेंगे कि जो असेट हमने सेल करी है इसकी बुक वैल्यू जीरो है, बुक्स में इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, असेट खत्म हो चुकी थी, हमने तो फेंक दी थी, अब उस वो फेंकी हुई असेट भी बिक गई हमारी, हमने बाहर रख रखी थी, इसे अटाले में पड़ी थी, कोई आया बोले दे दोगे क्या, ले जा भाई, क्या देगा, बोले 4000 दूंगा, दे दे 4000 ले जा, तो हम तो उसको फिर हमने तो बाहर अटाले में पड़ा हुआ था, कचरे में पड़ा हुआ था, वो भी उठा के दे दिया, उसके भी पैसे मिल गए, क्या मतलब इनकम है हमारी। तो यहां पर देखें, यहां पे अगर सेल ऑफ ओल्ड मेडिसिन इक्विपमेंट 4000 दिया होता तो हम ये मानते 4000 का प्रॉफिट हुआ, फिर हम इसको इनकम भी दिखा देते, पर ओल्ड वर्ड नहीं दिया हुआ है नेम ऑफ असेट के आगे, तो हम ये मान रहे हैं अभी अभी हम ये मान रहे हैं इसके उस क्वेश्चन में कि 4000 की असेट 4000 में सेल हो गई, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक, तो तीन केस हुए, एक जैसे अगर बुक वैल्यू दी हो तो, दूसरा बुक वैल्यू अगर नहीं दिए तो फिर देखना है, अगर बुक वैल्यू नहीं दिए तो ही देखना है ओल्ड वर्ड है कि नहीं है, अगर बुक वैल्यू दिए तो फिर ओल्ड वर्ड दिया हो तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अक्सर हम कई बार क्या होता है, बुक वैल्यू दिए और ओल्ड वर्ड दिया तो हम उसको देखने लग जाते हैं ओल्ड वर्ड है कि नहीं, देखना ही नहीं है अगर बुक वैल्यू दी है तो। तो यहां पर बुक वैल्यू नहीं दिए तो देखो इसमें बुक ओल्ड वर्ड नहीं दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने किया है, तो तीन केस हो चुके हैं। चले, तो जहां समझ में नहीं आया ना, थोड़ा सा वीडियो को रोक लिया करो, पॉज करके सोचा करो कि मैंने क्या बोला है, उसको थोड़ा रिपीट किया करो मन में, नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे चले जाया करो और ऐसे करके चला करो ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो नहीं लिखेंगे, पर इसका एक दूसरा ट्रीटमेंट भी है, वो देखते वो क्या है। तो देखिए ये एडजस्टमेंट के अंदर नीचे देखे एकदम मेडिसिन इक्विपमेंट, तो यहां पर हमको अमाउंट के दो कॉलम दिए हुए, एक तो ईयर बिगनिंग के असेट और लायबिलिटीज दी हुई है जो लास्ट ईयर से कैरी होके आई है, दूसरी ईयर एंड की असेट और लायबिलिटीज दी हुई है। तो मेडिसिन इक्विपमेंट लास्ट ईयर से इस साल कैरी होके आया है 70,000 रुपीज, लास्ट ईयर का इक्विपमेंट है 70,000 का जो इस साल कैरी होके आया है, इसको हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस में, क्योंकि लास्ट ईयर की असेट है ना, ये लास्ट ईयर की असेट है, तो हम इसको ये हमने लिख दिया ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट्स में, मेडिसिन इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया 70,000 रुपीज, ये लास्ट ईयर के असेट है इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर से कैरी हो क्या ये, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स में लिखा। अब ये 70,000 की जो असेट्स है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगी, ये फिर अगले साल कैरी हो जाएगी, अगले साल जाके फिर यूज होगी। तो मेडिसिन इक्विपमेंट का अमाउंट दिया हुआ है 70,000 रुपीस, ये लिख दिया ये असेट। अब इस असेट में से 4000 की जो असेट सेल हुई है वो हम माइनस कर देते हैं, लेस सोल्ड, 4000 की असेट माइनस कर देते हैं, ये सेल हो गई, बाकी की हमारे पास बच गई 66,000 की इक्विपमेंट, 66,000 के इक्विपमेंट बाकी बच गए हमारे पास, ये असेट 66,000 की। अब लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी बोला हुआ है इसके बारे में, वो क्या है वो देखते हैं, अब ये पॉइंट खत्म ही हुआ, थोड़ा ध्यान देके सुनते रहिएगा। तो
तो मेडिसिन इक्विपमेंट 70,000 के थे ईयर बिगिनिंग में, उसमें से 4,000 के जो सेल हो गए थे वो हमने माइनस कर दिया। 66 के इक्विपमेंट बाकी के बचना चाहिए, ईयर एंड में इक्विपमेंट की वैल्यू 66 बचना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में देखो, एंडिंग वाले कॉलम में देखो, सेकंड वाले कॉलम में देखो क्या लिखा हुआ है, 62,000 की इक्विपमेंट 62 के बच गए। बचना तो 66,000 चाहिए थे, 62,000 कैसे बचे? इसका मतलब यह है कि असेट यूज करने से उसकी वैल्यू कम हुई है। भाई इक्विपमेंट हमारे पास है, थोड़े कुछ पुराने हो गए थे हमने बेच दिए, काम के नहीं थे हमने बेच दिए, लेकिन बाकी के इक्विपमेंट हमने यूज भी तो किए होंगे, तो यूज करने से भी तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, टाइम के अकॉर्डिंग भी तो वैल्यू कम होती है। तो हमारी असेट्स जो है उसकी 4,000 पे वैल्यू कम हो गई है, ये मतलब है इसका। फिर से बोल रहा हूं, तो 66,000 का असेट बचना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि 62,000 के इक्विपमेंट्स बचे हैं, यानी जो 4,000 और भी वैल्यू कम हुई है वो कम हुई है डेप्रिसिएशन के कारण से, असेट यूज करने के कारण से 4,000 पे हमारी वैल्यू कम हो गई है, बाकी 62,000 इक्विपमेंट की वैल्यू बच गई। तो हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 4,000 और 62,000 असेट्स में उसकी वैल्यू कर दी, वैल्यू 4,000 62,000 पे लेके आ गए। तो जो डेप्रिसिएशन हमने 4,000 माइनस किया है ये एक जगह और आएगा एक्सपेंडिचर साइड में, तो एक्सपेंडिचर साइड में भी लिखेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑन मेडिसिन मेडिसिन इक्विपमेंट अमाउंट 4,000 रुपीज, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो रिसिप्ट साइड की लास्ट एंट्री चल रही थी सेल ऑफ मेडिसिन इक्विपमेंट, ये हो गया। तो इसके साथ हमारी रिसिप्ट साइड खत्म हुई। अब पेमेंट साइड में आते हैं, तो पेमेंट साइड में सबसे पहली आइटम देखिए क्या दिया हुआ है। तो पेमेंट साइड में पहली एंट्री दी है पार्किंग शेड। पार्किंग शेड क्या होता है? वो जो हमारी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के बाहर बाहर जो पार्किंग बनी है जिसमें गाड़ियां खड़ी होती है, तो पार्किंग शेड के नाम पर इस साल एक पेमेंट हुआ है। इसका मतलब हमने एक पार्किंग शेड हमने क्रिएट करी है, एक नई असेट क्रिएट करी है, पहले नहीं थी वो, इस साल पेमेंट हुआ, इस साल खरीदी है हमने, बनवाई है जो भी बोल दो। तो पार्किंग शेड एक असेट होती है, जो शेड हमने बनवाया है गाड़ियां खड़ी करने के लिए, ये हमारी एक असेट है जो इस साल हमने बनाई, इस साल बनाई है, ये कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि ये रिसीव पेमेंट इसी साल का है, तो इस साल जितने भी ये पेमेंट्स हुए ये सब इसी साल की असेट से, लास्ट ईयर से कैरी नहीं होके आए हैं। तो पार्किंग शेड इसी साल बनवाई है, लास्ट ईयर से कैरी होके नहीं आया है, इसलिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट में तो नहीं आएगा लेकिन क्लोजिंग में आएगा। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में वो असेट्स यहां पे लिखी गई है जो लास्ट ईयर से कैरी हो गया ये, और जो इसी साल हमने असेट्स खरीदी है या बनवाई है जो भी है वो सब सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ रही है। तो पार्किंग शेड क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने लिख दिया 3 लाख रुपीज, ये असेट है, असेट में लिख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला दिया है ऑनरियम। ये ऑनरेरियम क्या होता है? तो जो ट्रस्ट के अंदर जो ऑनरी बेसिस पर काम करते हैं ना, अक्सर उनको कुछ एक छोटा सा अमाउंट दिया जाता है, हालांकि वो लोग ऑनरी ऑनरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, वो अपने सेवा भाव से काम कर रहे हैं, पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पर कई बार चूंकि वो लोग टाइम इतना सारा ट्रस्ट में लगा रहे हैं, साथ में चूंकि सेवा भाव से आ रहे हैं, शायद अपने जेब से कुछ पैसे भी खर्च करते होंगे, तो इसलिए कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में उनको कुछ जो ऑनरी बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको कुछ स्मॉल सा अमाउंट दिया जाता है। कई गेस्ट स्पीच होती है, कई गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो टाइम निकाल के हमारे यहाँ आए हैं, उनका आने जाने का खर्चा भी हुआ है, तो कई बार हम गेस्ट को कुछ अमाउंट देते हैं थोड़ा सा, हालांकि वो ऑनरी बेसिस पे आए, सेवा भाव से आए हैं, उनको हम देते, तो ये भी ऑनरेरियम होता है। तो इस ढंग से ऑनरेरियम ये हमारा एक एक्सपेंडिचर हुआ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। तो ये ऑनरेरियम एक्सपेंडिचर साइड में हमने लिख दिए जो अमाउंट है 95,000 रुपीज। आगे चलते हैं हम, तो पेमेंट साइड की अगली एंट्री दी है सैलरी। तो सैलरी वैसे तो बहुत नॉर्मल पॉइंट है, सबको आता है, पर इसमें कुछ नया पॉइंट भी है तो इसलिए मैंने इसको लिया है अभी।
तो सैलरी में नया पॉइंट क्या है वो भी समझेंगे। पहले तो सैलरी एक्सपेंडिचर होता है, सबको मालूम है, तो पहले तुमने इसको एक्सपेंडिचर में तो लिख ही दिया। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में आता था, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में आ रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस सैलरी एक्सपेंडिचर में लिख दिया। अब इसके बारे में एडजस्टमेंट्स में क्या दिया हुआ है वो देखते हम। तो देखिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग दी हुई है, सैलरी आउटस्टैंडिंग दिए और ईयर बिगिनिंग वाले कॉलम में कितनी दिए, 1000। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जो इस साल कैरी होके आई है, तो लास्ट ईयर 1000 सैलरी बाकी थी, देना थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल जो सैलरी पे हुई है 12,000 रुपीज, इसमें से 12,000 तो लास्ट ईयर से कनेक्टेड है। 12,000 सैलरी पे हुई है, उसमें से 1,000 रुपीज जो है वो लास्ट ईयर के है, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है वो है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ये फिर इस साल का एक्सपेंसेस नहीं हुआ, इसलिए माइनस कर देंगे। तो रिपीट कर रहा हूँ, 12,000 रुपीज जो सैलरी पे हुई है, लास्ट ईयर 1000 बाकी थी, तो माना ये जाएगा कि इसमें से 1000 लास्ट ईयर का है, वो इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है, माइनस कर दिया। बाकी 11,000 सैलरी इसी साल की पे हुई है, ये इस साल का एक्सपेंसेस है। अब और क्या दिया हुआ है इस सैलरी के बारे में, तो देखिए ईयर एंड की आउटस्टैंडिंग भी दी हुई है 3,000 रुपीज, क्लोजिंग वाले कॉलम में देखे जहां पे कर्सर कहां है ये देखे, तो 3,000 पे इस साल के अभी देना है, इसका मतलब ये हुआ 11,000 इस साल की सैलरी पे हो चुकी है और 3,000 और देना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने 11th में ही सीखा था, आउटस्टैंडिंग आपका करंट ईयर एड हो जाता है, तो आउटस्टैंडिंग आप करंट ईयर जो है 3,000 रुपीज वो एड कर देंगे, टोटल इस साल का सैलरी एक्सपेंसेस हो गया 14,000 रुपीज, ये लिख दिया। अब अभी पॉइंट और चलेगा, सैलरी अभी खत्म नहीं हुआ है। तो देखिए सैलरी जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है 1000, ये लास्ट ईयर की लायबिलिटी है, इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 3000 है वो इस साल की लायबिलिटी है। लास्ट ईयर सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी थी 1000, इस साल सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है 3000। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट जो जहां पर कि लास्ट ईयर से जितनी असेट और लायबिलिटीज कैरी होके इस साल आई है वो लिखी जाती है, तो इसमें लायबिलिटी साइड में हम लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, ये लास्ट ईयर से कैरी होके आई है। इस सेशन के एंड में कितनी आउटस्टैंडिंग थी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, तो ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इसमें हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3000 रुपीज, ये हमने लिख दी है। ठीक, आगे चलते हैं। तो अगली आइटम, तो ये हमारा सैलरी पेमेंट साइड में सैलरी वाला पॉइंट चल रहा था जो हमने कंप्लीट किया, अभी ये सैलरी वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब अगला पॉइंट लेंगे इंश्योरेंस के लिए। सो इंश्योरेंस का अमाउंट 2800 है, इंश्योरेंस 2800 है, ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है, सो हम इसका एक्सपेंडिचर साइड में लिख देते हैं 2 इंश्योरेंस 2800 रुपीज हमने एक्सपेंडिचर में लिख दिया। मैं सिर्फ वही पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ जहाँ पे यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, डाउट आता है, तो इंश्योरेंस में भी एक नया पॉइंट है जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए वो कवर कर रहे हैं हम। तो देखिए नीचे एडजस्टमेंट्स के अंदर इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस प्रीपेड दिया हुआ है, एडवांस में पे कर दिया, तो ओपनिंग कॉलम में प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है 400, मतलब लास्ट ईयर एडवांस दिया था 400, तो जो लास्ट ईयर इंश्योरेंस एडवांस दिया था रुपीज 400, कब के लिए दिया होगा, इस सेशन के लिए, तो अगर इस सेशन के लिए दिया है तो वो इस साल के एक्सपेंडिचर्स में आएगा भी, इसको इस साल के एक्सपेंडिचर्स में लिखेंगे हम। तो इंश्योरेंस के अंदर एड प्रीपेड इन लास्ट ईयर का प्रीपेड 400 रुपीज एड कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो 3200 रुपीज टोटल हमने इंश्योरेंस का पेमेंट किया है, ये मतलब हुआ। अब आगे क्या दिया हुआ है, तो सेशन के एंड में भी प्रीपेड है 1200 रुपीज, कर्सर देख लीजिएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हुआ है, क्लोजिंग कॉलम में 1200 दिया हुआ है, तो मतलब हमने क्लोजिंग कॉलम में दिया, मतलब इस सेशन के एंड में 1200, यानी इस साल हमने 1200 रुपये एडवांस दिए हैं, कब के लिए, अगले साल के लिए। तो अगर इस साल 1200 रुपीज इंश्योरेंस एडवांस में दिए हैं, प्री पेड किए हैं, तो ये इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है, ये अगले साल का एक्सपेंसेस है।
यानी इंश्योरेंस की जो 3200 पेमेंट हुआ है इसमें से 1200 अगले साल का है, इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर के नाम से इसको हम माइनस कर देंगे। प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर के नाम से हम माइनस कर देंगे, ये माइनस करके बाकी 2000 हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हो गया, वो हमने एक्सपेंडिचर में दिखा दिया। ठीक, तो ये लिख दिया। अच्छा, अब इसका एक और एस्पेक्ट है इंश्योरेंस का, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी असेट भी होती है। तो जो लास्ट ईयर का प्रीपेड इंश्योरेंस है 400, ये ईयर बिगिनिंग की असेट है जो लास्ट ईयर से कैरी हो गया है। सेशन एंड में जो प्रीपेड चल रहा था 1200, ये ईयर एंड की असेट है हमारी। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स होते हैं, याद रखिएगा। तो ओपनिंग प्रीपेड यानी लास्ट ईयर का प्रीपेड जो दिया हुआ है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो लास्ट ईयर से असेट और लायबिलिटी कैरी हो क्या ये वो लिख रहे हैं हम। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपीज, ये लास्ट ईयर से कैरी हो क्या है, इस साल के एक्सपेंसेस में डाल दिया है, लास्ट ईयर की असेट है ये हमारी। क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हम असेट में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1200 रुपीज, ये हमने लिख दिया। तो ये इंश्योरेंस वाला पॉइंट खत्म हुआ हमारा। अब इंश्योरेंस के बाद में अगला पॉइंट क्या हुआ, क्या दिया हुआ है देखें। तो इंश्योरेंस के बाद में दिया हुआ है स्टेशनरी रुपीज 5000, इस साल 5000 इंश्योरेंस स्टेशनरी पे एक्सपेंसेस हुए हैं। जरा इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, वैसे स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में हम लिख देंगे इसको, पर इसके बारे में कुछ और बात भी है। जरा सोचो आप लास्ट ईयर जिस क्लास में थे उस क्लास में आपने स्टेशनरी पे कितना खर्च किया था, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा सोचो। तो लास्ट ईयर से लास्ट ईयर आप जिस क्लास में थे वहां जो स्टेशनरी बच गई थी मान लो वो 4000 की है। मैं क्वेश्चन मैंने पूछा है कि अभी जिस सेशन में उसकी बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर आप कौन सी क्लास में थे जरा पहले ये सोचो। अब मैंने क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट ईयर आपने स्टेशनरी के नाम पे कितने पैसे खर्च किए थे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा सोचते हैं। तो लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर आप जिस क्लास में थे वहां पर आपके पास स्टेशनरी बच गई थी 4000 रुपए की। तो जो बच गई है वो आपने लास्ट ईयर यूज करी होगी। तो 4000 की असेट तो पुरानी थी, पुरानी स्टेशनरी थी जो इस साल आपने यूज करी। लास्ट ईयर आपने 10000 की स्टेशनरी और खरीदी थी तो आपके पास हो गई थी 14000 की स्टेशनरी। पिछले से पिछले साल की 4000 रखी हुई थी वो आपने लास्ट ईयर यूज करी है। 10000 की पूरे साल में आपने स्टेशनरी और खरीदी है, मान लो 14000 की आपके पास स्टेशनरी थी। अब लास्ट ईयर के अभी अभी जो आप पिछले सेशन से इस सेशन में आए हो आप, तो पिछले साल के एंड में आपके पास 1000 रुपए की स्टेशनरी बच गई थी जो अब आप इस साल यूज करोगे। ठीक, तो 1000 की बच गई थी। लास्ट ईयर आपके पास कितनी स्टेशनरी थी, 14000 की। 14000 में से 1000 बच गई तो बाकी लास्ट ईयर कंज्यूम कितनी हुई, 13000। तो 13000 लास्ट ईयर का स्टेशनरी एक्सपेंसेस हुआ। कैसे कैलकुलेट किया, अब इस बात पर जाते हैं। 10000 की परचेज की, उसमें ओपनिंग स्टॉक जो था जो पिछले उससे पहले साल से जो कैरी होके आया था, ओपनिंग स्टॉक जो था वो ऐड किया 10000 प्लस 4000 14, उसमें से सेशन एंड में जो 1000 बच गया वो माइनस कर दिया, बाकी 13000 आपके एक्सपेंस हो गए। तो यानी परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कंजम्पशन ऑफ द आइटम आ गया। परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उससे कंजम्पशन आ गया। तो ठीक ऐसे ही यहां पे हम, ये स्टेशनरी नहीं, ये हर एक कंज्यूमेबल आइटम पे ये रूल लगता है। ये रूल सिर्फ स्टेशनरी पे नहीं, ये हर कंज्यूमेबल आइटम पे, यानी हर आइटम जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है उन सब पे ये रूल लगता है। तो स्पोर्ट्स स्टेशनरी मटेरियल दिया हुआ है 5000 रुपीज, इसको पहले तो हम एक्सपेंडिचर साइड में लिख देते हैं, स्टेशनरी 5000 रुपीज। अब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना दिया है अब इसके बारे में देखें नीचे। तो ये रहा स्टॉक, अब स्टेशनरी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो ईयर बिगिनिंग के कॉलम में 2000 और ईयर एंड के कॉलम में 3000। ओपनिंग स्टॉक जो है वो 2000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 3000 है। तो याद रखिएगा, तो स्टेशनरी में एड
ओपनिंग स्टॉक 2008 कर दिया तो हमारे पास स्टेशनरी हो गई 7000 रुपीज़ की। इसमें से लेस कर देंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर देंगे 3000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास, बाकी 4000 रुपये की स्टेशनरी कंज्यूम हो गई, तो ये 4000 रुपये हमारा स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गया, लिख दिया अमाउंट वाले कॉलम में, तो ये स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गया। अभी स्टेशनरी का एक जो स्टॉक है उसका भी एक और एस्पेक्ट है, जो स्टॉक बच जाता है वो बैलेंस शीट में जाता है, वो असेट होती है। तो जो लास्ट ईयर का स्टॉक कैरी होके इस साल हमारे पास आया था, इस साल यूज किया था 2000, ये लास्ट ईयर से असेट कैरी होके आया है, ये ओपनिंग असेट है। ईयर एंड में जो बच गया क्लोजिंग स्टॉक 3000, ये क्लोजिंग असेट है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अमाउंट कितना, तो अमाउंट 2000 लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग बैलेंस शीट ईयर एंड में बनने वाली बैलेंस शीट, इसमें भी आएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना, ईयर एंड का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो, यानी 3000 रुपीस, ये लिख दिया। तो ये था कंज्यूमेबल आइटम का एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देखिए पेमेंट साइड में हम स्टेशनरी वाला पॉइंट हो चुका है, उसके बाद बिलियर टेबल। तो ये रिसीव पेमेंट अकाउंट आपके सामने दिख रहा है, ये सारी रिसीव पेमेंट इसी साल की है, इस साल के पेमेंट्स हुए। तो अगर बिलियर टेबल पे इस साल पेमेंट हुआ है, मतलब ये बिलियर टेबल इस साल खरीदी गई है, लास्ट ईयर से कैरी नहीं हो गया। ये बिलियर टेबल हमारी असेट होती है, ये भी याद रख लेना। तो बिलियर टेबल हमारी असेट है, बैलेंस शीट में जाएगी, इसी साल खरीदी है, तो लास्ट ईयर से कैरी होके नहीं आई है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में ये असेट नहीं आएगी, पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। तो इस बिलियर टेबल को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे, पर इसके बारे में एक एडजस्टमेंट और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जरा देखें। तो बिलियर टेबल लास्ट ओपनिंग कॉलम में दिए 15000, यानी लास्ट ईयर से कैरी होके आई है बिलियर टेबल 15000, यानी 15000 की पहले हमारे पास ऑलरेडी एक बिलियर टेबल थी और एक अभी हमने जो खरीदी वो तो है ही हमारे पास। तो ईयर बिगनिंग की बिलियर टेबल कितनी है 15000, तो वो वाली तो आएगी, जो अभी नई खरीदी वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आनी, वो पहली बात हो गई, लेकिन पुरानी जो हमारे पास थे वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी। तो बिलियर टेबल और पिछले साल की बैलेंस शीट में आया 15000, ये वहां से कैरी होके आई है। अब ये 15000 की जो बिलियर टेबल पुरानी हमारे पास थी वो सेल तो हुई नहीं है, सेल होती तो रिसीव साइड में दिखती हमको, रिसीव साइड में हमने कंप्लीट पहले ही कर लिए। तो असेट में दिखा देते हैं बिलियर टेबल 15000 की तो पहले की थी वो लिख दी, एड जो न्यू परचेस की 2,30,000 रुपीज़ की वो भी ऐड कर देते। अभी हमने देखा था ना पेमेंट साइड में बिलियर टेबल 2,30,000 रुपीज़, ये रहा, ये हमने बिलियर टेबल हमने देखी थी पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में हमने देखी थी ना बिलियर टेबल 2,30,000 रुपीज़, तो ये भी हमने वहाँ पर ऐड कर दी हमने। तो हमारे पास बिलियर टेबल के नाम पर ईयर एंड में अमाउंट टोटल हो जाएगा 2,45,000 रुपीज़। तो हमारे पास दो दो बिलियर टेबल हो गई, टोटल 2,45,000 रुपीज़ की हो गई। ठीक, अब एक और बात अभी बिलियर टेबल के बारे में दी हुई है, सेशन के एंड में हमारे पास बिलियर टेबल कितने की है, क्लोजिंग बैलेंस आप बिलियर टेबल कितना दिया हुआ है 2,00,000 रुपीज़। अरे भाई जब हमारे पास दो टेबल हो गई, 15000 की बिलियर टेबल पहले ही हमारे पास एक टेबल थी, 2,30,000 की एक और परचेस की, तो हमारे पास असेट तो हो गई 2,45,000 रुपीज़ की। तो एंड में बिलियर टेबल का बैलेंस 2,00,000 कैसे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई बिलियर टेबल हमारे पास है, दो दो है, एक पुरानी थी एक और इस साल खरीदी थी, तो इनको यूज़ भी तो किया होगा, अगर हमने यूज़ भी किया है तो उससे उसकी वैल्यू भी तो कम हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी कम हुई है, तो ये भी इसमें आएगा। तो लेस डेप्रिसिएशन, तो कितनी वैल्यू कम हुई है, 2,00,000 रुपये वैल्यू बच गई, यानी 45,000 इसकी डेप्रिसिएशन लगा है, और बाकी 2,00,000 रुपये बच गई, ये हमने असेट में, ये 2,00,000 रुपीस हमने असेट में दिखा दिया। तो जो डेप्रिसिएशन लगा है, जो 45,000 जो वैल्यू कम हुई है, ये एक्सपेंडिचर में भी आएगा, तो हम एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल अमाउंट 45,000 रुपीस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये एक कंप्रेहेंसिव प्रॉब्लम ली है,
जिसका एक पार्ट हमने पिछले लेक्चर नंबर 16 में कंप्लीट किया था। इसका दूसरा पार्ट अभी हमने इस लेक्चर नंबर 17 जो चल रहा है इसमें कंप्लीट किया है। अभी तो और भी बहुत सारी एंट्रियां है, क्योंकि हमारा माइंड के थॉट लेवल ऐसी होती है कि बीच बीच में हम खो जाते हैं, तो अगर एक साथ लंबा पॉइंट कवर करो तो हमारा ग्रास्पिंग थोड़ा कम हो जाता है। इससे मैंने पार्ट्स में ये लेक्चर को लिया है। तो अभी लास्ट एक और पार्ट बचेगा, तीसरा पार्ट, वो हम अगली बार में लेंगे। तो कंप्रेहेंसिव प्रॉब्लम नंबर 2 उसका पार्ट बी यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं, और लास्ट तीसरा पार्ट, पार्ट सी जो है कंप्रेहेंसिव प्रॉब्लम नंबर 2 का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 में लेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल यहीं पे यहाँ तक क्वेश्चन कर रहे हैं एंड अगले इसमें हम करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लेक्चर्स देखते रहेंगे।